गर्मियों का मौसम था, जंगल में रहने वाले जंगली जानवर मुश्किलों का सामना कर रहे थे। ऐसे समय में एक बंदर ने सोचा, जंगल में भोजन ढूंढना बड़ा मुश्किल हो रहा है, मुझे पास के गांव जाना पड़ेगा, शायद वहां कुछ मिल जाए। ये सोचकर वो बंदर पास के एक गांव की ओर चल पड़ा। तब उस बंदर को उस गांव में एक केले का बगीचा दिखा। उसे देखते हुए बंदर ने सोचा, अरे वाह, क्या बड़े बड़े केले लगे हैं, मैं वहां जाकर इन सारे केलों का मजा लेता हूं। ये सोचते हुए वो बंदर उस केले के बगीचे में घुस गया और बहुत देर तक इधर उधर घूमता रहा। फिर उस बंदर ने जितने चाहे उतने केले खाए और थोड़ी देर के लिए आराम करने लगा। फिर वो जाग गया और सोचने लगा, आज तो मुझे भरपेट खाना मिल गया, मैं अपने साथ शाम में खाने के लिए कुछ केले ले जाता हूँ। ये सोचकर बंदर ने कुछ केले लिए और जंगल चला गया। वहाँ एक भालू ने उस बंदर को आते देखा और कहा, बंदर भैया एक मिनट रुको, मैं बहुत भूखा हूँ बंदर भैया, तुम्हारे पास बहुत सारे केले हैं, मेहरबानी करके मुझे दो ना थोड़े से, बहुत दिन हो गए मैंने कुछ नहीं खाया है, प्लीज भैया। भालू ने बंदर से कई बार कहा तो बंदर को उस पर दया आ गई। ठीक है भाई, ले लो कुछ केले, बाकी बचे मैं रख लूंगा। ऐसा कहते हुए बंदर ने कुछ केले उस भालू को दे दिए। इससे भालू बड़ा खुश हुआ और जल्दी जल्दी उन केलों को खाने लगा। बंदर भैया बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी भूख की चिंता की। अच्छा अच्छा ठीक है, हमें एक दूसरे की मदद करनी ही चाहिए। सही बात है भैया, इस जंगल में तो अब भोजन मिलता नहीं, तुम्हें केले कैसे मिले? तो उस बंदर ने केले के बगीचे की बात बताई। उसकी बात सुनकर भालू बोला, भैया कल मुझे भी वहाँ ले चलना, मैं भी कुछ केले खाकर अपनी भूख मिटा लूंगा। हाँ हाँ भैया। ऐसा कहकर बंदर वहाँ से चला गया। अगले दिन बंदर भालू को लेकर उस केले के बगीचे गया। उतने सारे केलों को देखकर, वाह इतने सारे केले, उस बंदर के लिए एक भी केला नहीं छोड़ूंगा, सारे खा लूंगा। थोड़ी देर बाद बंदर ने कहा, भैया तुम यहाँ खड़े हो जाओ, मैं तने पर चढ़ता हूँ, केले तोड़कर नीचे फेंकता जाऊंगा, तुम केलों को इकट्ठे करते जाना। ये सुनकर भालू ने गुस्से से कहा, ए, तुम चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं अपने बड़े बड़े नाखूनों से तुमको फाड़ के मार दूंगा, ये बगीचा मेरा है। भालू की बात सुनकर बंदर हैरान रह गया। क्या हुआ भैया, तुम इस तरह क्यों बात कर रहे हो? एक बार कहने से तुमको बात समझ में नहीं आती क्या? अभी मार डालूंगा तुमको, भालू ने गुस्से में कहा और बंदर के पास आने लगा। ठीक है मैं जा रहा हूँ, मुझे मत मारो। ये कहते हुए बंदर वहाँ से चला गया। फिर उस भालू ने उस बगीचे के सारे केले खाना शुरू कर दिया। अब तो वो रोज आकर केले खाने लगा। तब उस बगीचे के मालिक रमेश ने सोचा, मेरे बगीचे के सारे केले गायब होते जा रहे हैं, कोई छुपकर उन्हें ले जा रहा है। एक दिन वो अपने बगीचे की रखवाली कर रहा था, उसी समय वो भालू वहाँ आ गया और केले खाने शुरू कर दिए। अच्छा तो ये भालू मेरे केले खा रहा है, ये सोचते हुए वो दो आदमियों को साथ ले आया। हाथ में डंडे लिए आदमियों को देखकर भालू वहाँ से भागने लगा, लेकिन आदमियों ने उसका पीछा किया और उसे डंडों से खूब मारा। भालू उनसे डर गया और जंगल में भाग गया। अपने दोस्त को जिसने मेरी मदद की थी, धोखा देने की मुझे सही सजा मिली है। इस तरह भालू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बंदर से माफी मांगी। इसीलिए बड़ों ने कहा है कि लालच दुख देता है। भालू के साथ हमने ऐसा ही होते देखा है ना।